मैंने अपने आगे ये रखा हुआ, देखे जरा टावल, क्योंकि यहाँ मेरी गोद में मोहम्मद, उसको लग रही थी धूप और मैंने ये टावल जो है ना यहाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हाजिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। और जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो कि दुआ के लिए बोलती हैं, जिनके पास औलाद नहीं, अल्लाह पाक उनको प्यारी सी लंबी ज़िंदगी वाली सेहत तंदरुस्ती वाली औलाद की नेमत से जो है ना वो नवाजे, आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं सफ़र में हूँ, बहुत सारी बहनों ने कमेंट किए कल के नौरीन हमारे लिए दुआ करना। तो सबसे पहले तो जिनकी शादियाँ होने वाली हैं या जिनकी शादियाँ हो रही हैं या जिन बच्चों के अभी रिश्ते नहीं हैं, उन सब के लिए हम लोग बहुत अच्छे नसीब की दुआ करते हैं। अल्लाह पाक सबके नसीब बहुत बहुत ज़्यादा बुलंद करें, ख़ास तौर पर हमारी बहनों के, बेटियों के, ताकि उनको कोई भी आगे चल कर मसला ना हो। जो कि बीमार हैं, अल्लाह पाक उनकी बीमारी को दूर करें, उनको सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। भैन परची सुटो, भैन भैन सुनता ही नहीं, भैन चलो भाई, भैन की मर्जी, भैन सुनना नहीं दिया। तो ये जस्ट मजाक था और भाई को आवाज़ नहीं जानी थी क्योंकि मैं बहुत आराम से बोल रही थी, लेकिन मोबाइल मेरे मुंह के करीब था तो इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ लगी होगी आपको। खैर, मैं यहाँ पे ऐसी मजाक कर रही थी कि पायन एक ज़रा पर्ची दे दो जल्दी जी, तो ऐसी निकली है फिर तू। खैर जी, अभी मुल्तान टूल प्लाजा से हम लोग निकल चुके हैं, अब यहाँ से हमने जो स्लिप ली है ये चलेगी सखर तक, नहीं नहीं सखर तक नहीं चलेगी ये, मेरे ख्याल में बीच में हमें फिर से चेंज करनी पड़ेगी, वो कहाँ पर वो आगे चल कर मैं आपको बताऊँ जी। तो कल के व्लॉग में आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे आए थे, कुछ सवाल भी थे, उसमें से एक तो ये था उसमें कि नौरीन आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है, उसका भी आज मैं आप लोगों को जवाब दूंगी। और इसके अलावा आप लोगों को कौन सा सफ़र सबसे अच्छा लगता है वो मुझे आपने बताना है कमेंट करके, बाय रोड जाना अच्छा लगता है, बाय एयर जाना अच्छा लगता है या फिर ट्रेन का सफ़र अच्छा लगता है, मतलब कि इनमें से आपको कौन सा सफ़र ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आप सफ़र करते हैं तो। क्योंकि जो करीब करीब होता है मेका ससुराल, वो तो बेचारे ना कहीं इतनी दूर आते जाते, बड़ा कभी कभार होता है वो निकलते हैं, ज़्यादातर वो आसपास ही होते हैं। आसिफ ने मुझसे पूछा कि स्पीड कितनी होनी चाहिए, फिर मैंने क्या जवाब दिया वो भी सुने, जिसमें पेट्रोल थोड़ा घट खर्च हो 120 क्योंकि भाई फास्ट गाड़ी में पेट्रोल जो है ना वो बहुत बहुत ज्यादा लगता है, तो इसलिए पेट्रोल महंगा भी टू मच है। कितना डलवाया अभी आपने? 10,000 के। चलो जी, देखते हैं ये कहाँ तक चलता है। मुल्तान से अभी स्टार्ट हुए हम लोग। और बात, हम लोगों ने जो है ना दुआ वगैरह पढ़ ली भी है। जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे थे, दुआ वगैरह पढ़ ली थी और फिर नाते लगा देती हैं, कुछ देर नाते जो हैं वो सुनते हुए निकलते हैं, फिर उसके बाद जो है बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता गानों वगैरह लगा दिए थे क्योंकि बच्चे जो हैं वो बोर हो जाते हैं सफ़र करते हुए। हसन की तबीयत भी ठीक नहीं थी तो उसकी भी टेंशन थी, लेकिन बच्चे जो दूसरे थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते हुए गए, बल्कि बाकायदा मैंने फिर आगे चल के मूवी लगा दी थी और वहाँ पर बच्चों का जो रिएक्शन था ना एक सीन पर फला, वो मैंने रिकॉर्ड किया, अल्लाह करे कॉपी राइट ना आए मुझे उस पर, तो वो जो है ना आप लोग देखिएगा, क्योंकि बच्चों के फेस जो एक्सप्रेशन थे ना वो उफल्ला डरा देने वाले थे, तो आप लोग भी वो जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको भी इंशाल्लाह। आपकी मम्मा बैठी नहीं, ज्यादा तेज नहीं चलाने दे रही, देख बड़ा अच्छे आते हुए दोस्तों, मैं बड़े लिमिटेड से, ये देखें ना अब सखर ये सामने आ रहा है, ये सखर आ गया। तो फ्रेंड्स, सखर सामने नहीं आया, असल में सखर का जो बोर्ड था सामने लिखा हुआ होता है ना जिस पे सखर इतने किलोमीटर पे, वो वाला बोर्ड नजर आया था सामने मोटरवे पे। मुल्तान कैंट के टूल प्लाजे पे पहुंच गए, अब आप देखें हमारी ये सेकंड है यहाँ से, है ना? तो पहले कितने दिए थे? हमने वो शाशा तबरेज इंटरचेंज से चढ़े थे ना, उसको यहाँ पे हम लोग देंगे पेमेंट, और फिर यहाँ से जब हम चढ़ेंगे ना तो हमने इंशाल्लाह जाके देना है सखर। सखर ठीक हो गया। ये अभी मैं शाही मेवा एक जो है वो रखने लगी हूँ मुंह में, ताकि मेरे मुंह में अच्छा अच्छा सा जायका आता रहे। पानी ज्यादा पियो करो सुना। 1, 2, 3
फ्रेंड्स, कल जब बहन वाले यहाँ से गए थे तो उनकी गाड़ी के सामने एकदम से कुत्ता आ गया था, जो सबसे बड़ी वाली मेरी बहन है ना, उनकी गाड़ी के सामने। तो मोटरवे पे अक्सर कुत्ते वगैरह यहाँ साइड पे होते हैं, तो पुलिस वालों को वैसे तो ज़रा सी गाड़ी रोक लो, यहाँ पे निकल के तस्वीरें बना लो तो फ़ौरन पुलिस आ जाएगी, लेकिन साइड पे खड़े हुए कुत्ते नज़र नहीं आ रहे होते, कैमरे भी लगे हुए होते हैं मोटरवे पे फिर भी। तो खैर, उनका गाड़ी का तो नुकसान हुआ था, शुक्र है कि जाने कोई नुकसान नहीं हुआ था, अल्लाह ताला जो है ना उनको अपने हिस्सों ईमान में रखे। तो बाकी बड़ा गंदा वाला जो है ना उनका एक्सीडेंट हुआ था। सारे गाने सुने हैं और ये वाले गाने में ना वाकई में यकीन करें हर किसी की ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ, मैं कहती हूँ, लेसन है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये गाना जो सुनेगा वो यही बोलेगा कि वाकई में यार इस बंदे ने मेरे लिए कुछ वर्ड्स बोले हैं। यानी कि जो उसके साथ हुआ था उसने अपनी पूरी ज़िंदगी का जो निचोड़ था ना वो एक गाने में बता दिया था। और ये बहुत ही मज़े का गाना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पंजाबी गाने। कुछ ऐसे गाने होते हैं जो कि वाकई में दिल को अच्छे लगते हैं, तो उन पंजाबी गानों में से ये भी गाना एक मेरा जो है ना वो पसंदीदा गाना बन गया। तो इस तरह के और भी बहुत अच्छे गाने हैं। तो जी, अभी बच्चे जो हैं वो बोलने लगे थे कि मामा मूवी लगा दें। जब हम लोग आप पंजाब थी, हम आए थे गाड़ी में, तो हम मूवी लगा कर आए थे देखते हुए, तो हमें सफ़र का पता भी नहीं चला था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, बच्चों वाली एक मूवी है बहुत ज़बरदस्त, वो लगा के देने लगे। चींटी आंटी के पीछे बैठी थी। गलत, चींटी तो स्कूटर चला रही थी। फिर उसे चोट क्यों नहीं लगी? इसलिए कि चींटी ने हेलमेट पहनी हुई थी और हाथी ने नहीं। अभी ना आगे भी इसमें सीन बहुत ज़बरदस्त से आने हैं मूवी में, और कुछ सीन ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। तो वहाँ पे हुसैन का और रियान का जो रिएक्शन है ना वो देखने वाला होना है। बस आप लोगों ने ये दुआ करनी है कि अभी मुझे जो है ना वो फिलहाल इसका कॉपीराइट ना आ जाए। ठीक है, अभी हम लोग जो यहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर स्टे के लिए, क्योंकि मेरी भी टांगें जो हैं वो अकड़ गई थी, मोहम्मद को भी गोद में पकड़ के रखा था, अभी चाहे हसन की भी तबीयत ठीक नहीं थी, और फिर यहाँ पे हो सकता है मे भी चाय वाय पियेंगे, आसिफ ने जो गाड़ी का एयर फिल्टर था वो भी क्लीन करवाना था, तो इसलिए थोड़ी सी रेस्ट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप लोग सोच रहे होंगे कि नूरीना आपकी सासू माँ कहाँ है, वो नज़र नहीं आ रही है गाड़ी में, तो मैं आपको बता दूँ मेरी जो सासू माँ है वो अभी मुल्तान में ही रुकेंगी, क्योंकि ससुर जी की कॉल आई थी कि इनको अभी वहीं पर रखें, क्योंकि मैं भी आऊँगा मुल्तान दो तीन दिन, तो फिर वहाँ पे इन्होंने शादी अटेंड करनी थी, शादी अटेंड करके फिर मेरे सास और ससुर दोनों वापस आ जाएंगे, तो इसलिए फिर सासू माँ को हम लोगों ने अभी फ़िलहाल वहीं पे मुल्तान ही छोड़ दिया अपनी बेटी के घर में, तो हम आ गए वापस कराची। तो चले अभी स्टे करते हैं, और इसके अलावा जिन्होंने जिनके नाम लेने थे मुझे वो फटाफट से नाम ले लेती हूँ, क्योंकि फिर ऐसे व्लॉग चलता जाएगा और नाम फिर मैं भूल गई तो मुझे फिर कल आप लोगों ने कमेंट्स करने, नूरीन हमारा नाम नहीं लिया, हमारा नाम नहीं लिया। वो भाई नाम बहुत ज़्यादा हैं, जल्दी जल्दी से ले लूँ। और सबसे पहले नाम लेते हैं हम बीना जावेद का। तो जी, इन्होंने दुआएं की हैं मेरे लिए, मेरे जो बहनोई हैं, मेरी जो नंदोई हैं नंद के हस्बैंड हैं उनके लिए भी थैंक यू सो मच। आगे हैं जी इरम शेख, और इरम शेख ने भी जो है ना वो दुआ दी है, और अल्लाह, अच्छा जी यूसफा यासिन हैं, और इसके अलावा शेराज अवान हैं। आप ख़ुद बहुत अच्छी हैं और आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, इसलिए आप सब बहनों के ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू सो मच। मुताहिरा मोहसिन है जी, आगे हैं मलिक नसीर, फहमीदुन्निसा, अच्छा जी फहमीदुन्निसा बोलती हैं अल्लाह पाक जो है भाई आसिफ भाई को बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुमामीन थैंक यू सो मच। आगे हैं जी मिसेज मकसूद ऑफिशियल, माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुमामीन। क्यूट मरियम है, ये कहती हैं जी अल्लाह पाक से दुआ है कि आपकी नंद के हस्बैंड को अल्लाह ताला सेहत दे, आमीन सुमामीन, और आप सबको फैमिली वालों को अपने हिस्से ईमान में रखिए। मैं थोड़े थोड़े शॉर्ट करके कमेंट्स पढ़ रही हूँ, तो क्योंकि आप लोगों ने कहना है हमने तो इतना लंबा कमेंट किया था नूरीन क्या पढ़ रही यार, इसलिए क्योंकि टाइम कम है, फिर आपके कमेंट्स ज़्यादा हैं। आगे हैं जी कासिम बशीर, तो इन्होंने भी यही कहा जी माशाल्लाह नाइस व्लॉग थैंक यू सो मच। आगे हैं जी महक चूज, मैंने अभी आपके व्लॉग जो हैं देखने स्टार्ट किए हैं कुछ दिन से, आप बहुत स्वीट हैं और आपकी फैमिली भी, अल्लाह पाक आप सबको ऐसे ही खुश रखे, आमीन। और सीरियसली मुझे आप बहुत ही क्यूट लगती हैं, हाई नी थैंक यू सो मच। और इनके लिए जिन्होंने कहा जी औलाद के लिए दुआ करना, महक
के लिए हम लोग दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनको औलाद की नेमत से नवाजे, सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी वाली औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन सुमा आमीन। आगे हैं सबूही सईद, आपके बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है, सीरियसली मुझे तो अपना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, यकीन करें। आगे हैं बाबर राजा, तो ये कहते हैं जी अल्लाह पाक आसिफ भाई को बहुत ज़्यादा कामयाबी दे, आमीन सुमा आमीन, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेरी भी तीन बेटियाँ हैं माशाल्लाह, 3, 7, 9 साल की है। अच्छा, तो एक का नाम है जी कुरतुल नैन आज़ाद कश्मीर से, अच्छा इनका नाम जो है वो कुरतुल नैन है आज़ाद कश्मीर से। आगे आ जाते हैं सालिहा कयूम, खैर से अपने घर जाएं, आमीन सुमामीन, थैंक यू सो मच। तो जी अभी वो सीन आ गया जो कि मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊँ, तो फिर उसके बाद जो है ना बाकी की मैं कमेंट्स रीड करती हूँ। तो इस पूरे सीन में आपने बताना है कि अयान ने कितनी दफ़ा आंखों को जो है वो झपकाए और हुसैन ने कितनी दफ़ा झपकाया, इनका कमेंट मैं पिन करूंगी, जिन्होंने मुझे सबसे पहले बताया तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे यकीन करें मुझे बहुत हंसी आ रही थी इन दोनों को देख। फ्रेंड्स आप लोगों ने ये मूवी देखी है या नहीं, मुझे तो अभी अयान हुसैन को देखकर इतनी कोई हंसी आ रही है ना सच में, मैं उस टाइम मैंने वीडियो बनाई तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने ही कोई सीरियस हो के हुसैन तो बिल्कुल ही आंखें ना बंद ही नहीं कर रहा है जैसे। तो आप लोगों ने ये मूवी देखी है या नहीं राजू चाचा मुझे ज़रूर बताइएगा, जिन्होंने नहीं देखी वो अपने बच्चों के साथ लाजमी देखिएगा, बहुत मतलब कि मज़े की भी है। और दूसरा जो है ना तो कुछ सीन है इसमें जिसको आप स्किप कर सकते हैं, बाकी की जो मूवी है वो बहुत मज़े की है। जब उसके अब्बू लास्ट में जब उसके अब्बू गिरने लगते हैं तो हुसैन ने एकदम से इधर उधर इग्नोर करने लग जाएगा मूवी को, तो आप वो भी देखिएगा, वो इसलिए कि इसको शायद बर्दाश्त नहीं हुआ ना। तो फ्रेंड्स अभी मुझे ना कॉपीराइट आ गया था व्लॉग, मैंने अपलोड कर दिया था दोबारा से, अब उसको डिलीट करके दोबारा से एडिट कर रही हूँ, कहीं वॉइस ओवर कर रही हूँ, कहीं पर जो है ना वो इसी तरह म्यूट कर रही हूँ, क्या करूँ अब टाइम भी जो है फिर वो निकल जाता है व्लॉग का। तो फ्रेंड्स अभी मूवी देखते देखते हम लोग सखर जो है वो पहुंच गए थे, और टाइम भी हमारा अच्छा गुजर गया, सफ़र भी हमारा अच्छा गुजर गया, और मूवी देखते हुए बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। खैर अभी हम बढ़ते हैं आगे के जो कमेंट्स हैं वो भी जल्दी से ले लेते हैं, उनके भी नाम ले लेते हैं फटाफट से, वरना भी मेरी कुछ बहनें नाराज़ ना हो जाएँ, अगर नाराज़ होंगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा जी अभी युशफा यासीन हैं और इन्होंने कहा जी अल्लाह ताला माशाल्लाह जी अल्लाह पाक आपको और आपके ससुराल वालों को हमेशा खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। आगे हैं मिसेस उमर, अल्लाह पाक आप सब बहनों को खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। किरण चिश्ती हैं, इन्होंने कहा जी माशाल्लाह माशाल्लाह और अल्लाह पाक और कामयाबी दे और हर बुरी नज़र से बचा के रखे, आमीन सुमा आमीन। और जी तौफीक विद कुकिंग हैं, इन्होंने कहा सिस अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। मेमन जवेद हैं, अल्लाह खैरियत से पहुँचाए, आमीन जी। आगे हैं शहर बानो, माशाल्लाह माशाल्लाह नौरीन बहन आपके व्लॉग ज़बरदस्त, आपके भाई की शादी की ज़बरदस्त माशाल्लाह, हमने भी बहुत इंजॉय किया, थैंक यू सो मच। अच्छा कुछ कमेंट्स अगर जल्दी जल्दी मैं थोड़े बहुत उल्टे सीधे ले रही हूँ तो उसके लिए इग्नोर कर देना आप लोग। तो आगे हैं जी अज़रा इम्तियाज़, इन्होंने कहा माशाल्लाह कामयाबी मिलेगी भाई को इस काम में इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन सुमा आमीन। तो आगे हम लोग अभी पेट्रोल डलवाने वाले हैं, तो मोटरवे से नीचे उतरते ही पेट्रोल वहां से स्टार्ट होते हुए करवाया था ना, डलवाया था हाँ। है ना, अब कुछ लगा ही नहीं आ रहा मम्मा। कमेंट्स के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मुल्तान से हम लोग 2 बजे जो है वो मोटरवे पे थे, और उसके अलावा भी जो 6 बजकर और तकरीबन 13-14 मिनट हुए थे, तो फिर अब हम सक्कर पहुंच गए। सक्कर के बाद जो है ना वो आगे मोटरवे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर इस तरह से आपको रोड्स और गलियां मतलब रोड्स इस तरह के होते हैं जैसे नॉर्मल रोड्स होते हैं ना, वहाँ से अब हमें कराची तक जाना था, और अब यहाँ से जो है ना वो हमें ज़्यादा टाइम लगना है मोटरवे पर तो पता नहीं चलता, और ये चूने के पहाड़ बने हुए हैं सक्कर में, आसिफ बता रहे थे, तो मैं बड़ी हैरान हुई कि चूना इस तरह का होता है, तो आसिफ कह रहे थे हाँ। अच्छा जी आगे थोड़े से नाम और रह गए हैं वो भी जल्दी से ले लें, आप लोग भी कहीं बोर ना हो जाना और मैं भी जल्दी सारी बहनों को खुश कर लूं बस। तो आगे हैं जैनब लाइफस्टाइल, जिन्होंने कहा जी माशाल्लाह गुड व्लॉग, थैंक यू सो मच जैनब। आगे हैं जी अरूबा शेख, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, पता नहीं कितना शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने हमें दुनिया की हर नेमत से नवाजा, बेशक बेशक सुभान अल्लाह।
फ्रेंड्स नाम बहुत ज़्यादा हैं, लेते लेते मुझे लग रहा है कि व्लॉग ख़त्म हो जाना है, तो अभी नाम ख़त्म नहीं होने हैं, तो बाकी के नाम भी ले लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मोटरवे ख़त्म हुआ था, क्योंकि मोटरवे पे ना कहीं भी खाना मज़े का नहीं मिलता है, हम लोगों ने लास्ट टाइम ट्राई किया था 2-3 जगह पर, लेकिन मज़ा नहीं आया था कहीं भी खाना खाने का ना, तो हम लोगों ने यही सोचा कि जैसे ही हम मोटरवे से नीचे उतरेंगे तो सखर में ना कहीं अच्छा रेस्टोरेंट देख के खाना खाएँगे। लेकिन सखर जैसे ही उतरे तो अच्छा रेस्टोरेंट देखते देखते पूरा सखर ही ख़त्म हो गया, आगे दूसरा शहर आ गया था। फिर वहाँ पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश लग रहा था ना, तो मैंने कहा कि ट्राई करते हैं, इतना रश है कोई तो आखिर बात होगी। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने खाना खाया तो खाने का टेस्ट बस नॉर्मल था, और चाय जो थी ना वो बादाम वाली चाय थी, चाय अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी नहीं लेकिन अच्छी लग रही थी चाय, क्योंकि थकन भी थी, और आपको पता है खाने के बाद चाय ना हो तो मज़ा नहीं आता है। तो मैं यहाँ पर बैठ के रिलैक्स होकर चाय पी, फिर उसके बाद वहाँ से निकले। तो अभी ना हम लोग सखर से जो है हैदराबाद पहुंच गए हैं, और अभी हैदराबाद में हम लोग रुके क्योंकि आसिफ ने चाय पीने थी। बीच में मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि थोड़ा सा डर लग रहा था, बिल्कुल इर्द गिर्द ना ऐसे दरख्त ही दरख्त और सुनसान सी जगह लग रही थी और बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था। तो अभी आगे भी बल्कि हैदराबाद से आगे जब कराची जाना है तो आपको पता है जो लिंक रोड है वो बिल्कुल खाली सा होता है, सुनसान, साइडों पर कुछ भी नहीं होता। तो वहाँ भी अभी वो एक डर भी था जहन में कि अल्लाह ताला बस खैर से हमें अपने घर ले जाए, और तकरीबन 1-1.5 का टाइम हो गया था। अच्छा यहाँ ना ये सुपर मदीना में हम लोगों ने चाय पीने के लिए हम यहाँ पे रुके थे, और ये जो सुपर मदीना रेस्टोरेंट है यहाँ के चाय में आप लोगों को बोलूँगी कि आप जब भी मोटरवे का सफ़र करें, चाहे आप सिंध से पंजाब या पंजाब से सिंध की तरफ आ रहे जा रहे हो कहीं भी, और सुपर मदीना रुककर आपने चाय लाजमी पीनी है। इतनी कोई मज़े की चाय है यहाँ की, मैं आपको बता नहीं सकती, सारी थकन खत्म हो गई थी, दिल चाह रहा था एक कप और पी लूँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं इतनी काफ़ी है, अभी आगे अभी सफ़र करना था मज़ीद। तो है जी यहाँ से बस हम लोगों ने अब चाय शाय पीनी है, उसके बाद निकलना है आगे की तरफ। बस आप लोगों ने दुआ करना है कि खैर से हम घर पहुँच जाएँ। और कल बल्कि जब मेरी बहन वाले घर से निकले थे ना, तो उनके लिए दुआ काफ़ी की थी, ज़ाहिर सदका वगैरह भी निकल, मेरे भाई की तो खास तौर पे आदत है जब भी वो निकलते हैं खास तौर पे कहीं भी लॉन्ग ड्राइव पे, तो सबसे पहले वो सदका वगैरह करके और दूसरों को भी यही बोलता है कि सबसे पहले सदका दो और फिर निकलो ना, तो सारी दुआएँ करके सफ़र की हर चीज़ करके निकले थे। लेकिन वही जो अल्लाह की तरफ से होना होता है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि बहन कैसे रास्ते में जो है ना वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, तो सामने कुत्ता आ गया था एकदम से, तो बस शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने जो है वो बचा लिया था, गाड़ी का थोड़ा सा नुकसान हो गया था, लेकिन अपनी जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है, गाड़ी तो फिर ठीक हो जानी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि किसी बड़े हादसे से वो बच गए थे। तो खैर जी इसी के साथ आज का व्लॉग भी एंड करती हूँ, व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया उसके लिए, आई एम सो सॉरी यार, और बाकी जो नाम रह गए वो नाराज़ नहीं होना, इंशाल्लाह वो कल के व्लॉग में मैं उन सबका नाम ले लूँगी, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।